नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे क्या मसल बॉडी में बढ़ाने के लिए नॉनवेज खाना जरूरी है। जवाब है नहीं। अच्छा, आजकल बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा है, आजकल क्या बहुत पहले से चली आ रही है धारणा कि अरे बड़ा दिखने के लिए, बहुत बढ़िया बॉडी बनाने के लिए, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए भाई नॉनवेज खाना पड़ता है, अंडे खाने पड़ते हैं, 10-10, 12-12, 20-20 अंडे खाने पड़ते हैं, इतना सारा चिकन खाना पड़ता है, मांस खाना पड़ता है, मछली खानी पड़ती है, और पता नहीं ये टर्की पोर्क और पता नहीं कौन कौन सी मांस की चीज़ें खानी पड़ती है, इससे हम बड़े दिखेंगे, इनमें प्रोटीन होता है, ये जो प्रोटीन आएगा इसी से हमारी बॉडी बनेगी, इसी से मसल बढ़ेगी, इससे बड़े दिखेंगे। एक्चुअली है कि इनमें प्रोटीन होता है, सच है, लेकिन यही खाने से तुम उतने बड़े बन पाओगे ये सच नहीं है। और लोग ये भी सोचते हैं कि प्रोटीन हेल्थ के लिए अच्छा है और इनमें ज़्यादा प्रोटीन है तो ये हेल्थ के लिए अच्छे हैं। प्रोटीन कुछ हद तक हेल्थ के लिए अच्छा है, ये बात सही है, पर इनमें ज़्यादा प्रोटीन होने के कारण ये हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ये बात गलत है। इनके अपने अपने, नॉनवेज के अपने अपने हेल्थ के कई नुकसान, अंडे के या चिकन के, मछली के या कोई भी तरीके का मांस उठाओ, उसके अपने अपने हेल्थ के लिए अलग नुकसान है। तो जैसे प्रोटीन ज़्यादा है तो हेल्दी खाने के चक्कर में खाना है, तो ये गलत सोच है। साइंस के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से आपको मसल बढ़ाने के लिए अपने शरीर में मांस खाने की, अंडे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो पूरे दिन की प्रोटीन है वो पूरा होना चाहिए और वो आराम से आपको शाकाहारी खाने में मिल जाएगा। बहुत लोग हैं जो कि इस बात को सिद्ध कर रहे हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर अमेरिका में और भी दूसरी कंट्रीज में, दूसरे देशों में, जहाँ पे जो लोग हैं शाकाहारी खा करके मसल बढ़ा रहे हैं अपने शरीर में और अच्छी खासी बॉडी बना रहे हैं, कॉम्पिटिशन लड़ रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में। और कई लोग ऐसे भी हैं जो दूध और दूध की चीज़ें नहीं खाते, जिन्हें वेगन कहते हैं, वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, बिना दूध और दूध की चीज़ें खाए हुए भी लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, मसल बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बॉडीज बना रहे हैं, कंपटीशन लड़ रहे हैं। और मैं तो यहाँ पे सिर्फ शाकाहारी की बात कर रहा हूँ कि आप दूध और दूध की चीज़ें खा भी सकते हो जिनमें काफ़ी प्रोटीन होता है। तो एक शाकाहारी को जो वेगन नहीं है, जो दूध और दूध की चीज़ें खाता है, उसको तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ये जो विज्ञान है, ये जो लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जो बॉडी बिल्डिंग में ऐसा कर रहे हैं, ये प्रूव कर रहे हैं कि नॉनवेज खा करके ही आप बड़े दिख सकते हो, ये एक वहम है, एक मिथ है। और ये आज हमें इतना ऐसे पता चल रहा है क्योंकि आजकल इंटरनेट इतना बड़ा हो गया है, इंटरनेट पे सोशल मीडिया इतनी बड़ी है कि लोग हर किसी तक हर कोई बात पहुंच सकती है। तो जो इंडिया में, इंडिया के बाहर जो लोग हैं जो कि शाकाहारी रह करके या फिर वेगन रह करके बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है, तब हमें पता चल रहा है कि ऐसा हो रहा है और ऐसा साफ साफ लोग कर रहे हैं। तो ये सिद्ध हो रहा है कि आप शाकाहारी रह करके आराम से मसल बढ़ा सकते हो और बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो। अब सवाल आता है कि जब ऐसा हो सकता है तो ये बात कहाँ से फैली कि नॉनवेज खाना ज़रूरी ही है, ये बात कहाँ से फैली? देखो, ऐसा है कि बॉडी बिल्डिंग, बड़ा दिखना और बॉडी बनाना, एब्स लाना, ये सब है ना, मतलब बाहर के देशों से भारत में आया है, अमेरिका से आ गया, ऑस्ट्रेलिया से आ गया, बाहर के देशों से ये चीज़ आई है। और बाहर के देशों में क्या है कि मांसाहार का बहुत ज़्यादा चलन रहता है काफ़ी देशों में। भारत में जितना ज़्यादा शाकाहार है उतना हर एक देश में नहीं है, बाहर बहुत लोग मांसाहारी है। तो उन्होंने बॉडी बिल्डिंग करी, उन्होंने बड़ी बॉडी बनाई और वो मांस खाते थे। तो हम लोगों ने, जिन्होंने उनसे सीखा, उन्होंने सीख लिया अपने आप ही कि अरे मांस खाने से बॉडी बनती है। और उन्होंने भी हमें ये दिखाया कि मांस खाए, अंडे खाए तो बॉडी बनी। उन्होंने हमें कहा कि रोटी बंद कर दो, आटा मत खाओ, इससे बॉडी नहीं बनेगी। तो लोग, बहुत लोगों ने बॉडी बिल्डिंग में रोटी बंद कर दी क्योंकि वो उनके खाने में रोटी थी नहीं, वो नॉर्मल खाने में वो रोटी खाते थे, वो अपना मांस खाते थे। तो उन्होंने वही बता दिया हमने और हमने वही का वही सीख लिया। ऐसे वहम फैल गया होना चाहिए, जितना मैं इसे अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ, जितना मैंने देखा है, ये वहम ऐसे फैला होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि हेल्थ के लिए सिखाया जाए, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हेल्थ में नॉनवेज के, अंडों के बहुत सारे नुकसान हैं। तो अगर आप सोच रहे हो अच्छी हेल्थ के लिए खाऊं, तो आप समझ लो आप हेल्थ खराब कर रहे होंगे। साइंस ने, विज्ञान ने प्रूव करा है कि नॉनवेज से और अंडों से शरीर में नुकसान हो सकता है, बीमारियाँ हो सकती है और हो सकता है आपकी उम्र छोटी हो जाए। ऐसी कई बातें साइंस ने प्रूव करी है और उन पर रिसर्च भी चल रही है और काफ़ी रिसर्चेस पेपर पब्लिश हो चुके हैं। अच्छा,
अगर सिर्फ बॉडी बनाने के चक्कर में आप नॉनवेज खाना चालू कर रहे हो, घर वालों से छुप करके मांस खाते हो, अंडे खाते हो, या फिर मन नहीं है खाने का पर फिर सिर्फ शरीर के लिए खा रहे हो, अपने धर्म में आपके मन है, आप धर्म मानना चाहते हो लेकिन आप शरीर के लिए धर्म के खिलाफ जाकर के खाना चाहते हो, तो आपको वैसा सब करने की जरूरत नहीं है। सीधी सीधी बात यह है। अब बात आती है कि प्रोटीन शाकाहारी खाने में कहाँ से मिलेगा, तो शाकाहारी खाने में प्रोटीन मिलेगा अनाज से, गेहूँ, बाजरा, जौ, ज्वार, दाल से, बीन से, दूध, दही, छाछ, छीना जिसे पनीर भी कहते हैं, हरी सब्जियाँ, हरी सब्जियों में खास करके हरी पत्ती की सब्जियाँ, सबसे पहले तो सब्जियाँ सब्जियों में हरी सब्जी, हरी सब्जियों में हरी पत्ती की सब्जियाँ, फल और अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनसे, इन सब से मिला करके हम आराम से अपनी प्रोटीन की, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट वो आराम से पूरी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इनसे हमें अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें बहुत तकलीफ से खाना पड़ेगा कि अरे बस यही खाना पड़ रहा है, नहीं कुछ और नहीं खा सकते, ये नहीं खाएंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरे दिन की पूरी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से इनसे पूरी कर सकते हो, वो वैसा खाना जो आप रोज खा सकते हो, आराम से आप इनसे अपनी रोज की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। क्या चीज़ हमें कितनी खानी चाहिए उसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, पर अभी के लिए इतना समझ लो कि वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा है दालों में, बीन्स में, राजमा हो गए, चवड़े हो गए जिनको लोबिया भी कहते हैं, सोयाबीन हो गई और कई और तरीके की बीन्स आती है, दूध, दही, छाछ, पनीर, इनमें काफ़ी प्रोटीन है, तो आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए इनको बढ़ा सकते हो। तो ये बताने के लिए था कि नॉनवेज खाना, मांस खाना, अंडे खाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है मसल बनाने के लिए, अगर आपके दिमाग में वहम है तो हटा दो, अगर आप मांस खाते हो और छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, और अगर आप खाना शुरू करने की सोच रहे थे तो बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे लोगों को जानते हो जिनके दिमाग में वहम है तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय।